कोचिंग से पढ़ाने के बाद जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकलते हैं उनकी नज़र एक साइकिल पर पड़ती है जो क्लास के बाहर खड़ी थी। तो देखते हैं कि साइकिल पर बहुत सारा पेंट लगा हुआ था। उसे जैसे मानो कि वो साइकिल किसी पेंटर की। टीचर उस साइकिल को देख रहे होते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसा कौन बच्चा है जो ऐसी साइकिल लेकर आता है। आजकल के ज़माने में तो बच्चों को शर्म आती है पैदल आने में, साइकिल से आने में और बाइक से आने में भी कतराते हैं, उन्हें तो कार चाहिए। फिर ऐसी साइकिल से कौन आ रहा है मेरे इंस्टीट्यूट में? वो साइकिल को गौर से देख रहे होते हैं तभी एक लड़का निकल कर आता है और उस साइकिल को साफ करने लगता है। टीचर बड़े ही आश्चर्य से देखते हैं और पूछते हैं कि ये साइकिल तुम्हारी है? वो बोलता है हाँ ये मेरी साइकिल है। टीचर हैरान रह जाते हैं, बोलते हैं कि तुम इस साइकिल से क्यों आते हो? क्या तुम्हारे घर की हालत इतनी ख़राब है तुम्हें साइकिल से आना पड़ता है? साइकिल तो ठीक है पर इस पर यह पेंट क्यों लगा हुआ है? वो लड़का बोला कि एक्चुअली मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अपने अंकल के घर रहता हूँ और खाली टाइम में पेंटिंग का काम करता हूँ जिससे मैं अंकल को भी कुछ पैसे दे पाता हूँ और मेरे छोटे भाई को पढ़ा पाता हूँ और आपकी फीस निकल जाती है। टीचर ये बात सुनकर हैरान रह गए। वो सोच में पड़ गए कि क्या सच में भगवान किसी को इतना कष्ट दे सकता है? आखिर क्यों? वो सहानुभूति दिखाने के लिए बोले कि तुम मुझे मेरी फीस मत देना। वो लड़का बोला नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी होती है कि मैं आपकी फ़ीस दे पाता हूँ और ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। अगर आप फीस नहीं लोगे तो शायद मैं कमाना भी छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे फ्री मिलेगा तो मेरे पढ़ने की दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए आप फीस लें। टीचर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और टीचर अगले दिन बच्चे को क्लास में बुलाकर उसकी कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं मुझे इस लड़के के संघर्ष से ये सीखने को मिला कि अगर ज़िंदगी में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना हो, यदि आपके मन में कुछ पढ़ने का दृढ़ विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। यदि आपके अंदर भी कुछ करने की आग है तो आप भी लगे रहिए, एक दिन सफल जरूर हो। और दोस्त हमेशा मैं आखिरी में एक लाइन कहता हूँ कि आपका बचपन गरीबी में गुजरा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके माता पिता का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए।